भाजपा और जदयू का जो गठबंधन है वो कितना मजबूत है, या फिर कह रहे हैं कि फरमाश के बाद कुछ खेला हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सब एक यूनाइट है, लेकिन मुकेश सहनी अलग यूपी में अपना चुनाव है तो वहां पे जदयू भी आपसे छिटक जाता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि बड़े नेता जो है एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी करते हैं। आप कहते हैं 5 साल हमारी सरकार चलेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ आरएस कुमार। आज हमारे साथ बथनाहा विधानसभा के युवा विधायक अनिल जी हैं, तो उनसे वहाँ के स्थानीय समस्याओं के बातें करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या अपडेट है, क्योंकि विधायक बने 1 साल से ऊपर हो गया, तो उनका वो भी जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सर, कुछ सवाल जो है लोकल चीजों पे, जैसे आपने क्षेत्र में जो है बाढ़ की समस्या आती है, काफी सड़कें जो है जर्जर हो जाती है, तो कई सड़कें हैं जैसे भूती से लोहगर की तरफ जाने वाली सड़कें हैं, ऐसे परसा से कनौली की तरफ जाने वाली सड़कें हैं, तो इसका क्या अपडेट है सर? सबसे पहले तो आप समस्त देशवासियों को, जिला वासियों को आने वाले मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में खुशियों का संचार करे, इसके लिए मैं ऊपर वाले से आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। विकास की बातों को लेकर के हमारे पत्रकार भाई ने आज हमारे समक्ष जो है बैठे हुए हैं, जिसमें रोड को लेकर के इन्होंने चर्चा किया है, तो आज आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो 4 प्रमुख रोड हैं और ये एक्चुअली विधानसभा के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाली सड़क मान के चलिए, जैसे आपूथी से ये परसा मोड़ से होते हुए कन्हौली होते हुए ये भासर तक जाने वाली एक सड़क है, एक योगवाना वाली सड़क है, एक जो है पोथी से लोखर वाली सड़क है, मेजरगंज सोनवर्षा है। ये 4 प्रमुख रोड है जो प्रमुख रूप से विधानसभा के हर पंचायत से होकर के गुजरती है, तो ये चारों को हम लोग जो है जो भी इस पर समझिए कि हम लोग वीकली अपडेट दे रहे हैं, सेक्रेटरी से हम लोग बात करके और जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनका भी काफ़ी अच्छा पहल है कि चारों रोड पास हो चुका है और उसको हम लोग टेंडर में भेजे हुए हैं। टेंडर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर अलॉट होगा, उस पर काम हम लोग शुरू करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि फरवरी में हम लोग काम को स्टार्ट करें। ये पहले से पिछले साल ही होता, लेकिन कुछ वक्त तो कोरोना में बीत गया, कुछ जो है पंचायत चुनाव को लेकर के आचार संहिता होने के कारण बहुत सारे काम जो है नहीं हो पाए, लेकिन ये 4 प्रमुख रोड है। इसके अलावा भी बहुत सारे रोड जो है वो हम आज आपको एक लिस्ट भी देंगे और उस लिस्ट से आप जो है आम जनों तक पहुंचाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा। वो लिस्ट भी विभाग के द्वारा आया हुआ है कि कौन कौन रोड जो है पास हो चुके हैं, उसका टेंडर होना है या कौन टेंडर की प्रक्रिया में है, और कई ऐसे रोड जो बन करके तैयार हुए इस बीच में, आपको हम बता देना चाहते हैं कि 15 रोड लगभग इस बीच में बन करके तैयार हुए। वो PCC सड़क भी हुआ, इसके अलावा जो कालीकरण का काम हुआ रोड का, बिटुमिन रोड, वो भी जो है कंप्लीट हुआ और उसका हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार जो है हम लोग उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। उद्घाटन भी हो गया होता लेकिन आचार संहिता के कारण उद्घाटन नहीं हो पाया, तो इस बीच भी बहुत सारे काम हुए रोड को लेकर के। भाजपा और जदयू का जो गठबंधन है वो कितना मजबूत है, या फिर कह रहे हैं कि फरमाश के बाद कुछ खेला हो रहा है, क्या लगता है? कि भाजपा और जदयू जो हमारा NDA है उसका गठबंधन अटूट है और सरकार जो है पूरे 5 साल जो है चलेगा, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। RJD के द्वारा जो है बयानबाजी होते रहता है, वो तो जब से सरकार बनी है तभी से बोल रहे हैं, जब कोई भी कभी 26 जनवरी आएगा तो बोलेगा कि जो है हमने खेला हो गए, तो फिर कोई मौका ऐसा आता है उसको बोल देंगे उनके प्रवक्ता कि भाई ये होगा, अभी फरमाश बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले भी बोले थे इसी तरह का चीज, उनका बोलने का है मनगढ़ंत कहानी है, बोलते रहते हैं, आदमी का अपना ये है। और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ सरकार के साथ रह करके और हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को जो आम जन है और आम जनों तक हर योजनाओं का लाभ सही से पहुंचे, हम लोग विकास की ओर देखते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, और NDA अटूट है, मजबूत है, हमेशा रहेगा, और हम लोग का प्रमुख जो लक्ष्य है अब इस राजनीति से ऊपर उठ करके जन जन तक
लाभ पहुंचाने का काम करना है। सरकार की योजनाएं सड़क पुल पुलिया समुदाय भवन का निर्माण स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण स्कूल की चारदीवारी स्कूल का डेवलपमेंट ऐसी विभिन्न जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग फोकस किए हुए हैं और उसी पर हम लोग काम कर भी रहे हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किसानों की समस्याओं सुनने का काम उनको खाद बीज उपलब्ध कराने का काम ये सारी चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। और जो NDA हमारा है भारतीय जनता पार्टी और JDU और जो भी NDA के घटक दल हैं वो सभी अभी यूनाइट हैं उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। सर आप कह रहे हैं कि सब एक यूनाइट है लेकिन मुकेश सहनी अलग UP में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं जनसंख्या की है तो वहाँ पे JDU भी आपसे छिटक जाता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि बड़े नेता जो है एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी करते हैं। आप कहते हैं 5 साल हमारी सरकार चलेगी। देखिए हर आदमी का अपना विचार होता है विचार रखने का अधिकार सबको होता है। अब मुकेश सहनी जो उत्तर प्रदेश में जो है अपना राय अलाप रहे हैं अब यहाँ पर तो NDA के साथ हूँ हैं लेकिन वहाँ जो है हमारे आदरणीय योगी जी के से जो सरकार है उनके विपक्ष में जो है काम करने का काम कर रहे हैं जो गलत बात है। गठबंधन धर्म है उसका उल्लंघन है। मान लीजिए सरकार के साथ या फिर पार्टी के साथ समन्वय बना करके काम करना और जो किसी भी राज्य या देश का विकास करना लक्ष्य होना चाहिए उसमें निजी स्वार्थ कुछ नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है।